नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सोनभद्र जिले में लगातार अवैध खनन परिवहन का मामला समय समय पर आता रहता है। अभी तक बालू पत्थर का अवैध खनन व परिवहन हो रहा था और कभी कभी कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति होती रहती है। लगातार वन विभाग अवैध खनन रोकने का प्रयास करता भी रहता है। ऐसा ही एक मामला कोयला लदे ट्रकों को रोक करके चेक करने के बाद पता चला है। अवैध कोयला लेकर के 3 ट्रकें वन विभाग के चेकिंग के द्वारा पकड़ी गई। वन विभाग के लोगों के द्वारा कोयला लदी ट्रकों को रोक करके कागज चेक किया गया तो पता चला कि बगैर डीपी के ही कोयला लेकर के तीनों ट्रकें अनपरा से दूसरे जिले में जा रही हैं। वन विभाग ने तो तीनों ट्रकों को कुंवारी गांव के पास वाराणसी शक्ति नगर मार्ग से पकड़ा। तीनों ट्रकों को वन विभाग ने पिपरी रेंज ऑफिस में ला करके सीज भी कर दिया। वहीं वन विभाग के रेंजर वी के पांडे ने बताया कि 3 ट्रकें कोयला लेकर के अनपरा से पिपरी होते हुए रॉबर्टसनगंज की तरफ जा रही थी। वन विभाग की टीम ने तीनों ट्रकों को रोक करके पूछताछ की तो पता चला कि तीनों ट्रकें अवैध कोयला लेकर के बगैर डीपी के ही जा रही हैं। विभाग के नियमों के हिसाब से तीनों ट्रकों को वन अधिनियम के तहत सीज भी कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आज 3 ट्रकें सुबह कोयले की पकड़ी गई है, क्या मामला है? आज 25/2021 द्वारा सूचना प्राप्त हुई एनसीएल सिंगरौली से 3 ट्रकें अवैध ढंग से ट्रांजिट परमिट के आ रहे हैं, जिसके आधार पर प्रभारी पदाधिकारी महोदय के साथ टीम बनाकर हम लोग वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर ग्राम कुंवारी के पास चेकिंग किया गया। वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 ट्रकें अवैध ट्रांजिट परमिट के पकड़ी। सर, इसमें क्या लदा था, कितने की लागत पकड़ाई? इसमें कोयला लोड था जिसका जो ट्रांजिट परमिट जो है वो अनपार बैरियर से नहीं लिया गया था।